नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम स्टफ्ड डबल चीला बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी चीला है। इसे आप सुबह सुबह नाश्ते में या टिफ़िन के लिए या शाम को हल्की फुल्की भूख में बनाकर खा सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए हमने एक कप मूंग दाल का प्रीमिक्स ले लिया है, आधा कप गेहूं का आटा लिया है, यह हम इसी में डाल देते हैं। हम इसमें पानी डालकर जैसा चीले के लिए बैटर तैयार करते हैं उस तरीके का पतला बैटर तैयार करेंगे। तो पहले हम आधा कप पानी डाल देते हैं और इसका हम लम्प्स हटाकर बिल्कुल उसी तरीके का चिकना घोल बनाकर तैयार करेंगे जैसा कि हम सादा चीले के लिए बनाते हैं। ये बैटर हमने तैयार कर लिया, पोरिंग कंसिस्टेंसी है और इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे, जस्ट जो हमने आधा कप गेहूं का आटा मिलाया है उसके हिसाब से। तो एक चौथाई छोटी चम्मच नमक डाल देंगे, क्योंकि मूंग दाल प्रीमिक्स लिया है हमने, उसमें सारे मसाले नमक वगैरह पहले से ही मिले हैं। और अगर आपके पास प्रीमिक्स ना हो तो उसकी रेसिपी आप मेरे वेबसाइट पर देख सकते हैं। मूंग दाल प्रीमिक्स की जगह बेसन भी ले सकते हैं। तो अगर आप बेसन और गेहूं का आटा मिलाकर बनाएंगे तो सारे मसाले फिर आप उसमें अभी ऐड करेंगे। नमक भी पूरा टेस्ट के हिसाब से, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, ये सब आप मसाले उसमें डाल लेंगे। और इसमें थोड़ा सा मैं हरा धनिया भी मिलाऊंगी। मिक्स कर देते हैं। ये बैटर हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि फूलकर तैयार हो जाएगा। हम दो चीला बनाएंगे। एक चीला में हम पनीर डालेंगे और दूसरे में सब्जियाँ। तो पनीर में हम थोड़े से मसाले मिला लेते हैं। आधा छोटी चम्मच से भी कम नमक डालेंगे और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं और बच्चे तीखा पसंद नहीं करते तो हरी मिर्च ना डालें। आधा छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट, आधी छोटी चम्मच नींबू का रस, तो जस्ट थोड़ा सा डाल देंगे। अगर आप चाट मसाला डालें तो नींबू का रस नहीं डालेंगे। दो तीन चम्मच हरा धनिया। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलने तक मिला लेंगे। ये हमारी पनीर की स्टफिंग बनकर तैयार हो गई। दूसरी हम सब्जियों की स्टफिंग बना रहे हैं। इसके लिए हमने एक चौथाई कप बारीक कटी शिमला मिर्च, एक चौथाई कप ग्रेटेड फूल गोभी, एक चौथाई कप ग्रेटेड गाजर और दो टेबल स्पून हरे मटर के दाने ले लिए हैं। सब्जियां अपनी पसंद के अनुसार कोई भी ली जा सकती हैं। अगर आप प्याज पसंद करते हैं तो इसमें आप बारीक काट कर प्याज भी ले सकते हैं। आधा छोटी चम्मच से भी कम नमक डालेंगे और हरी मिर्च एक बारीक कटी हुई। बच्चों के लिए बनाए, उन्हें तीखा पसंद ना हो तो मिर्च ना डालें। और आधी छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट, बिल्कुल आधा छोटी चम्मच नींबू का रस और दो तीन टेबल स्पून हरा धनिया। सारी चीज़ों को मिलने तक मिला लेंगे। तो हमारी ये सब्जियों वाली स्टफिंग भी बनकर तैयार हो गई। 10 मिनट हो गए हैं, बैटर तैयार हो गया है। थोड़ा हमें बैटर गाढ़ा दिख रहा है, हम थोड़ा सा पानी इसमें और मिला लेते हैं। इधर हम चीला बनाने के लिए पैन गरम कर लेते हैं। ये बैटर हमारा सही कंसिस्टेंसी का बनकर तैयार हो गया है और बैटर को बनाने में 2 कप से 2 टेबल स्पून कम पानी लगाए। पैन गरम हो गया है। पैन में हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे और इसे चारों ओर फैला देंगे और पैन को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। हम दो चीले बना रहे हैं, हमने दो तवे रख लिए हैं, तो इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा तेल डालकर इसे चिकना कर लेंगे। पैन में चीला बनने के लिए डालते हैं। चीला अपनी पसंद के अनुसार थोड़ा छोटा या थोड़ा बड़ा बना सकते हैं। तो हम इसे गोल गोल इस तरीके से पतला फैला लेंगे। गैस लो मीडियम रखेंगे और इधर भी हम बिल्कुल इसी तरीके से चीला फैला लेंगे और लो मीडियम गैस पर इन्हें सिकने देते हैं। चीले के चारों ओर हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे, बिल्कुल आधा चम्मच तेल डाला है हमने। चीला हमारा थोड़ा सा नीचे से सिक गया है, हम इसे पलट लेंगे। तो हम इस तरीके से कढ़ाई को थोड़ा सा हिला लेते हैं। नॉनस्टिक कढ़ाई है तो इस पर चीला आसानी से निकल जाता है। हम चीले को पलट देंगे। हमने चीला इस ओर थोड़ा हल्का सेका है, गैस हम थोड़ा धीमी कर देंगे। इसके ऊपर हम टमाटो सॉस डालेंगे, हम ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें मिठास भी होनी चाहिए। तो ये हम
एक चम्मच टमाटो सॉस की डालेंगे और चारों ओर फैला देंगे। टमाटो सॉस या चटनी अपनी पसंद के अनुसार कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैं एक चीले में टमाटो सॉस लगा रही हूँ और दूसरे में चटनी लगाऊंगी और इसके ऊपर मैं पनीर की स्टफिंग डालूंगी। अब इस स्टफिंग को एक जैसा हम चीले के ऊपर फैला लेंगे और अब हम इसके ऊपर ये घोल डालेंगे, स्टफिंग को बंद करेंगे। तो इस तरीके से एक जैसा पतला पतला तो हम सारी स्टफिंग को बंद कर देंगे और इसके किनारों से हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे और थोड़ा सा तेल हम इसके ऊपर डाल देंगे। एक चम्मच तेल करीब हमने यूज कर लिया है। चीला को ढककर लो मीडियम गैस पर 6-7 मिनट तक सिकने देंगे और अब हम दूसरे चीले को तैयार करते हैं। इसे हम पहले पलट देंगे, ये थोड़ा अच्छा सिक गया और इसके ऊपर हम चटनी लगाएंगे। तो वही 1.5 चम्मच चटनी डालें और चारों ओर अच्छे तरीके से फैला दें। तो तीखा खाना है तो चटनी लगा लें और हल्के मसालों में बनाना है तो टमाटो सॉस यूज करें और ये जो सब्जी वाली स्टफिंग है वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। एक जैसा चारों ओर फैला देंगे और अब हम स्टफिंग को बंद करेंगे। इसके चारों ओर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, थोड़ा सा तेल हम इसके ऊपर डालेंगे और किनारों को हम इस तरीके से थोड़ा सा एक जैसा कर सकते हैं। इसे भी हम ढक देते हैं और फिर से धीमी गैस पर 6-7 मिनट पकने देंगे। 6 मिनट हो गए और हम चीला को नीचे से थोड़ा सा इस तरीके से उठा के देख सकते हैं, नीचे से चीला सिक गया है। इस तरीके से हम इसे पलट देंगे और नीचे से भी ढककर हम पूरे इसे 5-6 मिनट तक सिकने देंगे। ये चीला भी हम चेक कर लेते हैं तो ऊपर से थोड़ा डार्क कलर हो गया है, चीला सिक चुका है। नीचे से भी हम इस तरीके से उठाकर चीले को देख सकते हैं। तो पलटने के लिए हम ऐसे, ये इतना मोटा है तो एक कलछी के बजाय 2 कलछी का यूज कर लेते हैं और फिर इसे ढककर पूरे 5-6 मिनट तक लो मीडियम गैस पर पकने देंगे। 6 मिनट हो गए, चीले को हम चेक कर लेते हैं। नीचे से भी चीला अच्छा सिक कर तैयार हो गया है। थोड़ा और 1-2 मिनट हम खुले इसे क्रिस्प कर लेते हैं। अगर हम पूरा चीला पलट कर देखना चाहें तो हम फिर से भी इसे पलट सकते हैं। अभी कम सिका है ये, थोड़ा सा हमें इसे और क्रिस्प करना है। चीले को वापस उसी साइड कर देते हैं और गैस को थोड़ा मीडियम कर देते हैं। चीला को चेक कर लेते हैं दूसरी तरफ सिका है या नहीं। तो पलट लेते हैं इस तरीके से, चीला दूसरी ओर भी अच्छा ब्राउन हो गया है। चीला बनकर तैयार है, हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। ये चीला भी हमारा सिककर तैयार है, इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। सब डबल चीला बनकर तैयार है, इसे सर्व करने के लिए हम इसको इस तरीके से काट लेंगे। एक चीला को सिकने में 16 से 18 मिनट लग जाते हैं, इसीलिए हमने दोनों चीला अलग अलग तवे पर जल्दी से सेक कर तैयार कर लिए। स्टफ डबल चीला बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी चीला बना है और आसानी से बन जाता है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप बैटर बनाएंगे तो बैटर बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो। चीला सेकते समय पूरा ध्यान रखना है गैस धीमी या धीमी मीडियम हो। हर 3-4 मिनट में चीला को चेक करना है, आप बहुत अच्छा चीला बनाकर तैयार करेंगे। और ये एक स्टब डबल चीला अपने आप में इतना हैवी है कि एक मेंबर की एक बार की भूख मिटाने के लिए पर्याप्त है। स्टब डबल चीला को हरे धनिए की चटनी या टमाटो सॉस या अपने किसी भी मनपसंद चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं। और अगर चटनी और सॉस ना हो तो ये चीला अपने आप में इतना स्वादिष्ट है कि वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।